हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलेंगे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जो शायद ही आपको पता होंगे, और साथ ही साथ आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगा एक इंटरेस्टिंग बोनस फैक्ट। सो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अमेजिंग वीडियो। पेपर्स मेनली वुडन पल्प से बनते, जैसा कि आप में से ज्यादातर लोगों को पता ही है। पर क्या आपको ये पता है कि श्रीलंका में पेपर्स बनाने के लिए वुडन पल्प की जगह एलिफेंट डंग का यूज किया जाता है, यानी कि हाथी के गोबर का। एलिफेंट डंग से पेपर बनाने के लिए सबसे पहले एलिफेंट डंग को सुखाया जाता है, जिसके बाद उसे किल्न में स्टीम करने के लिए डाल दिया जाता है, और आखिर में उसे प्रेस करके पेपर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लुई 16 के वक्त जो एरिस्टोक्रेटिक लेडीज थी, यानी कि ऊंची दर्जे की महिलाएं, वो खाना खाने से ज्यादा सूप पीना पसंद करते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर वो ज्यादा खाना चबाएंगे तो उन्हें फेशियल रिंकल जल्दी आ जाएंगे, और इसी के कारण वो खाना खाने से ज्यादा सूप पीना पसंद करते हैं। क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि आपकी आवाज जैसे आपको सुनाई देती है, क्या वैसे ही दूसरा को सुनाई देती है? यार अगर आया है तो इसका जवाब है नहीं। आपकी आवाज दूसरों को थोड़ी डिफरेंट तरीके से साउंड करती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि साउंड एक मैकेनिकल लॉन्जिट्यूडनल वेव है, यानी कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। फिर चाहे वो मीडियम एयर हो, लिक्विड हो या फिर सॉलिड, आपकी आवाज आपको बोन्स के थ्रू सुनाई देती है, यानी कि एक सॉलिड मीडियम है, जबकि दूसरों को आपकी आवाज एयर मीडियम के थ्रू सुनाई देती है। और मीडियम में फर्क आने के कारण आपकी आवाज दूसरों को थोड़ी अलग तरीके से सुनाई देती है। क्या आपको पता है, जब पोटेटोस इंग्लैंड में सबसे पहली बार लाए गए थे, तब वहां के लोग पोटेटोस की जगह पोटेटो लीव्स खाते थे और पोटेटो को फेंक देते थे, और फिर कुछ समय बाद इंग्लैंड के लोग भारी मात्रा में बीमार पड़ रहे। कुछ समय बाद नतीजे में ये सामने आया कि जिन लोगों ने पोटेटो लीव्स खाई थी, मेनली वही बीमार पड़े, क्योंकि पोटेटो लीव्स में सोलनाइन नाम का एक पॉइजन होता है। दुनिया का सबसे पहला फेरिस व्हील, या जिसे हम जाइंट व्हील के नाम से भी जानते हैं, वो सबसे पहली बार यूनाइटेड स्टेट में 1893 में जॉर्ज डब्ल्यू पेरिस ने बनवाया था, जो कि करीब 80.4 मीटर ऊंचा था और उसमें एक बार में 2160 राइडर्स बैठ सकते थे। सो अब बारी आती है हमारे प्यारे बोनस फैक्ट की, जो शायद ही आपको गूगल पर भी मिले। तो फैक्ट ये है कि कैमिली जॉर्डन, जो कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उन्होंने 1887 में एक थ्योरम प्रपोज किया, और इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए मैथमेटिशियंस को करीब 14 साल लग गए। इस 130 साल पुराने थ्योरम में करीब 20,000 लाइन्स है, जो कि 3,000 पेजेस पर लिखी गई है, और फाइनली ये थ्योरम सितंबर 2005 में कंप्लीट हो गया। इमेजिन, अगर ये थ्योरम हमें स्कूल या फिर कॉलेजेस में पढ़ाया गया तो हमारी क्या हालत होगी। सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।